नमस्कार दोस्तों मैं सी अनु भटिया स्वागत करता हूं आपका FAQs ऑन आई टी आर सेवन से रिलेटेड आज की इस वीडियो में जिसमें आई टी आर सेवन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन आपके रेफरेंस के लिए लेकर के आ रहा हूं तो दोस्तों कवरेज क्या है आज की इस वीडियो के हु इज लाइबल टू फाइल आई टी आर सेवन file फाइल आई टी आर सेवन due इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आई टी आर सेवन

ट्वेल्व ए ट्वेल्व डबल ए में ड्यूली रजिस्टर्ड हैं वो सर आई टी आर सेवन भरने के लिए लाइबल हैं इसी प्रकार से दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट ऐसी एजुकेशनल संस्थाएं जो कि होली या सब्सटेंशली फिनेंस बाय द गवर्नमेंट है या जिनका ग्रॉस रसीट एक करोड़ से ऊपर नहीं है या जिनका ग्रॉस रसीट एक करोड़ से ऊपर है इसी प्रकार से दोस्तों मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कि सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी क्लास थ्री ए सी क्लास थ्री ए या क्लॉज सिक्स ए में आते हैं तो ये कौन सी संस्थाएं जब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और बीइंग अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो होली और सब्सटेंशियली फिनेंस बाय द गवर्नमेंट है तो इन क्लासेज में कवर्ड है अगर वो एक करोड़ से ऊपर की ग्रॉस रसीट नहीं रखते तो इन दो क्लॉजेज में कवर्ड है दोस्तों और अगर वो एक करोड़ से ऊपर की ग्रॉस रसीट रखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्लॉज सिक्स या सिक्स एप्लीकेबल होगा और अकॉर्डिंगली उन्हें आईटीआर सेवन भरनी है इसी प्रकार से दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन और मैंने कुछ संस्थाओं के नाम लिखे नहीं यहां पर जो हमारे लिए खास महत्वपूर्ण नहीं है इन संस्थाओं को दोस्तों आई टी बेसिकली भरनी है नाउ हु कांट फाइल आई टी आर सेवन आई टी आर सेवन कौन नहीं भर सकता अगर मैं अपने डिस्कशन को यहां सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू सीमित रखू या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेडिकल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू तक सीमित रखू तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों अगर आप चैरिटेबल रिलीजियस एजुकेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं और मैं ऐसे एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन को छोड़ देता हूं जिनकी ग्रॉस सीट एक करोड़ रुपए या उससे कम है ऐसे ही ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो एक करोड़ रुपए या उससे कम की ग्रॉस ग्रॉसिट पर खड़े हैं एंड माइंड यू दे शुड बी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं उनको छोड़ देता हूं तो बाकी के चैरिटेबल रिलीजियस एजुकेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन को आई टी भरने का मौका तभी मिलेगा वेन दे आर ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए ट्वेल्व डबल ए और दे आर अप्रूव्ड अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी सो इफ यू आर नॉट फॉलिंग इन टू दिस कैटेगरी एंड यू आर ऑल्सो नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए ट्वेल डबल ए और टेन ट्वेंटी थ्री सी तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आप आई टी आर फाइव नहीं भर पाएंगे फिर आपके लिए जो रिलेवेंट आई टी आर एप्लीकेबल होगी वो आई टी आर फाइव एप्लीकेबल होगी ट इज ऑफ फाइलिंग ITR 7 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 अगर आप पर एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों तो 31 दिसंबर 2020 तक आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है जिसका डिस्कशन में आगे करूंगा तो आपकी ड्यू डेट फॉर टाइमिंग 31 जनवरी 2021 रहेगी अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों वेदर ऑडिट इज मैंडेटरी बिफोर आईटीआर फाइलिंग यानी आप आईटीआर सेवन भरने जा रहे हैं क्या आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है क्या आई टी आर फाइलिंग से पहले तो देखिए दोस्तों मैं यह कह सकता हूं अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है और आप ट्वेल ए ट्वेल्व में अप्रूव्ड नहीं है और आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी ग्रॉस रिसीट एक करोड़ रुपए एक करोड़ रुपए या उससे कम है ऐसी परिस्थिति में सर आपको ऑडिट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है यानी आप आईटीआर सेवन बिना ऑडिट कराए भी फाइल कर सकते हैं लेकिन आप यदि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जिसकी ग्रॉस ग्रॉसिट एक करोड़ रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर या या आप एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन है या है रिलीजियस और साथ साथ ही बिना 11 एंड 12 की एग्जामेशन दिए या बिना 10 ट्वेंटी थ्री सी क्लॉज सिक्स या क्लॉज सिक्स की एग्जाम्शन दिए आपकी इनकम अबाव एग्जाम्शन लिमिट जा रही है तो ऐसी परिस्थिति में सर आपके लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी है ये एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था हमें ध्यान रखनी है सम फॉर्म्स टू बी अपलोडेड अलोंग विद सेवन आई टी आर सेवन के साथ आपको क्या फॉर्म अपलोड करने हैं दोस्तों तीन फॉर्म आपके सामने लेके आ रहा हूं फॉर्म नाइन जिसको डीम्ड एप्लीकेशन के लिए भरा जाता है फॉर्म टेन जिसे एक्मलेन के लिए भरा जाता है और फॉर्म टेन बी या फॉर्म टेन डबल बी जो ऑडिट रिपोर्ट के संदर्भ में भरे जाते हैं यानी अगर आप सेक्शन इलेवन सबसेक्शन वन में एज अ ट्रस्ट डीम्ड एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके आई के साथ फॉर्म नाइने दाखिल होना चाहिए क्योंकि उसकी टाइम लिमिट भी 139 की ड्यूरेट है अगर एज एज अ ट्रस्ट आप आप कुछ कुछ करना करना चाहते हैं, करना चाहते हैं एन इंस्टीट्यूशन इलेवन टू में और यही की यही बात दोस्तों टेन ट्वेंटी थ्री सी क्लॉज सिक्स और सिक्स ए में भी एप्लीकेबल होगी तो ऐसी परिस्थिति में आपको निश्चित रूप से वन थर्टी नाइन वन की टाइम लिमिट के अंदर एकोमलेशन का फॉर्म भरना है और जैसा मैंने पहले बोला सर आप ऑडिट कराने के लिए भी लाइबल हैं एज पर सेक्शन ए और एज पर सेक्शन टेन ट्वेंटी में भी अगर में ऑडिट जाएगी तो आपके चार्टर अकाउंटेंट फॉर्म टेन बी में ऐसा ऑडिट फॉर्म अपलोड करेंगे आपके लिए और अगर टेन ट्वेंटी थ्री सी में आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपके चार्टर अकाउंटेंट फॉर्म टेन डबल बी में ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करेंगे अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सर कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स जो मैंने होती देखी और बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में सर निश्चित रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रस्टों की रिटर्न्स पर काफी प्रोसेसिंग करके और ट्रस्टों की बहुत सारी खामियां निकाली वो खामियां न रहें उस और आपका ध्यान दिला रहा हूं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स प्रॉपरली फिलअप करने में कहीं ना कहीं ट्रस्ट मात खाते हैं यानी कहीं ना कहीं ट्रस्ट की रिटर्न के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन डिटेल आप प्रॉपर नहीं फिलअप कर रहे हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और रजिस्ट्रेशन कौन से पर्पस पर हुआ चैरिटेबल पर्पस पर हुआ रिलीजियस पर्पस पर हुआ चैरिटेबल कम रिलीजियस पर्पस पर हुआ टेन सी में अप्रूवल है लेकिन हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं साहब ये तो ट्वेल्व डबल ए का ट्रस्ट है इस प्रकार की गलतियों का ध्यान रखना है मिसमैच ऑफ द पर्पज जो इसी रजिस्ट्रेशन के डिटेल से रिलेटेड है आप बोलते हैं कि साहब मैं मेडिकल रिलीफ दे रहा हूं जबकि आपका अप्रूवल रिलीफ टू पुअर में हो रखा है ठीक है आप बोलते हैं साहब कि मैं प्रोटेक्शन में काम कर रहा हूं जबकि आपका एनरोलमेंट जनरल पब्लिक यूटिलिटी में हो रहा है इस प्रकार की बातों का दोस्तों बहुत ध्यान रखना है जब हम रिटर्न भर रहे हैं प्रॉपर डिवीजन ऑफ डोनेशन इन टू एनॉनिमस डोनेशन वॉलंट्री डोनेशन कॉर्पस डोनेशन हमने डोनेशंस के सर अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं किए और उन्हें सही तरीके से आई फॉर्म ने नहीं फिलअप किया तो दिस इज चुर एरिया वेर आई टी आर सेवन रिलेटेड मिस्टेक्स आर जनरली एप्लीकेशन डीम्ड एप्लीकेशन एक्मुलेन को अलग करना दोस्तों उन तीनों को समझना बहुत जरूरी है एज अ ट्रस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन और मैं जैसे अभी आपको बोला सर कि आपको फॉर्म नाइन फिलअप करना है फॉर्म टेन फिलअप करना है अब आप डीम्ड एप्लीकेशन ले रहे हैं एक्मुलेशन ले रहे हैं रिटर्न में लेकिन आपके फॉर्म्स तो फिलअप ही नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आई टी आर सेवन में इश्यू निश्चित रूप से खड़े होंगे डिटेल्स रिगार्डिंग एक्सपेंसिज ऑन द ऑब्जेक्ट्स जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं सर उसके ऊपर भी आपको बताना है कि हां साहब जैसा मैंने पहले बोला मिसमैच ऑफ पर्पज कई बार क्या होता है सर गलती से हमने एक ऑप्शन टिक कर लिया क्या इस साल ट्रस्ट के पर्पजेज में चेंज है बोला जी हां तो लॉ कहता है जी आप री re रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए जबकि हम री re रजिस्ट्रेशन के लिए गए नहीं तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर क्या होगा सर आपकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट and non filing of proper annexures there are number of annexures sir which are given in this particular itr 7 form which are required to be filled up by you very carefully so as a trust आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने चार्टर अकाउंटेंट को ये सारी सूचनाएं टू द एक्सटेंट पॉसिबल उपलब्ध कराएं और आपका चार्टर अकाउंटेंट भी ऐसा जिम्मेदार पर्सन ही है जो आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन निश्चित रूप से सही प्रारूप में फिलअप करेंगे अंत में दोस्तों मैं यही कह सकता हूं कि आई टी आर सेवन इज नीडेड टू बी फिल्ड अप इन अ वेरी प्रॉपर एंड केयरफुल मैनर यू हैव टू बी कॉशियस अदरवाइज सर क्या होता है जब ट्रस्टों के ऊपर डिमांड बनती है तो वो बहुत बड़ी डिमांड होती है और नेचुरली पूरा ट्रस्ट उसकी वजह से चकित हो जाता है और कहीं ना कहीं हैरान रहता है कि अरे इतनी बड़ी डिमांड कैसे हटाएंगे तो इट इज बेटर कि वन शॉट शुड बी अ प्रॉपर शॉट सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू टेक केयर अबाउट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर आई टी आर सेवन आई टी सेवन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कैसे पढ़ना है मैं कोशिश करूंगा उस पर भी एक सेपरेट वीडियो आपके रेफरेंस के लिए लेकर के आऊं आज के लिए मैं अपने डिस्कशन को दोस्तों यहीं समाप्त करता हूं मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद